मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे हिस्टोपैथोलॉजी के बारे में, जो कि एक सेकेंड ईयर डीएमएससी का सब्जेक्ट है। आप देखोगे हिस्टोपैथोलॉजी में तीन वर्ड हैं। हिस्टो मीन्स टिश्यू यानी उत्तक, पैथो मीन्स डिजीज या कोई रोग, और लॉजी मीन्स किसी चीज की स्टडी। हिस्टोपैथोलॉजी मीन्स किसी ह्यूमन बॉडी में किसी टिश्यू या ऑर्गन में जब प्रॉब्लम आ जाती है तो उसको बाहर निकाल के इन्वेस्टिगेट करने का जो प्रोसीजर है उसी को क्या बोलते हैं, हिस्टोपैथोलॉजी। नेक्स्ट जो इसकी साइंटिफिक डेफिनेशन है उसके अंदर, ए ब्रांच ऑफ पैथोलॉजी कंसर्न्ड विद द टिश्यू चेंजेस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिजीज, मतलब पैथोलॉजी की वह ब्रांच जिसके अंदर टिश्यू के अंदर जो होने वाले चेंजेस हैं डिजीज के कारण उनको इन्वेस्टिगेट करना ही हिस्टोपैथोलॉजी है। सेकेंड डेफिनेशन है इसकी, द टिश्यू चेंजेस दैट इफेक्ट ए पार्ट और ए कंपनी ए डिजीज, मतलब टिश्यू के अंदर होने वाले चेंजेस बीमारी के कारण उन सभी की स्टडी क्या है, हिस्टोपैथोलॉजी। नेक्स्ट जो डेफिनेशन है, माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यू सफरिंग फ्रॉम एनी डिजीज, मतलब किसी टिश्यू की माइक्रोस्कोप के द्वारा जब एग्जामिनेशन करोगे, जब उसके अंदर कोई प्रॉब्लम होगी उसकी स्लाइड प्रिपेयर करके जब आप इन्वेस्टिगेट करोगे उस पूरे प्रोसीजर को क्या बोलते हैं, हिस्टोपैथोलॉजी। नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो प्रोसीजर के ऊपर बेस्ड है, व्हेन ए डॉक्टर इंटरवेंस इनटू ए बॉडी एंड टेक्स आउट द डिजीज टिश्यू, मतलब जब एक डॉक्टर ह्यूमन बॉडी के अंदर इंटरफेयर करता है और जिस टिश्यू या ऑर्गन के अंदर डिजीज है उसको बाहर निकाल लेता है, उसके बाद में एंड सेंड इट टू द रिसर्च लेबोरेटरी, और उसको क्या है, हिस्टोपैथोलॉजी की रिसर्च जो लैब है उसके अंदर सेंड कर देता है, जहां पे वेयर इट इज फिक्स्ड, जहां पे उसको क्या करेंगे, सबसे पहले फिक्स करेंगे यानी उसके अंदर जो केमिकल चेंजेस होने वाले हैं यानी उसको डीके एंड ऑटोलाइसिस से प्रिवेंट करेंगे ताकि उसके अंदर सड़न या गलन नहीं हो, जैसा वो ह्यूमन बॉडी के अंदर था वैसी स्टेज के अंदर रहे। नेक्स्ट स्टेप करेंगे डीकैल्सिफाइड यानी डीकैल्सिफिकेशन, यानी कि उसके अंदर कोई कैल्शियम या फिर अदर कोई मॉलिक्यूल प्रेजेंट हो जो उसको क्या कर दे, हार्ड कर दे, उसको रिमूव करेंगे। उसके बाद करेंगे ग्रोथ यानी ग्रोथिंग, यानी उसको देखेंगे अच्छे तरीके से कि किस पार्ट में टिश्यू में लीजन है और उस लीजन वाले पार्ट को अलग निकाल लेंगे। फिर करेंगे टिश्यू प्रोसेसिंग, फिर उसको क्या है, प्रोसेस करेंगे। टिश्यू प्रोसेसिंग में तीन प्रोसीजर है, एक तो डिहाइड्रेशन यानी उसके अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल है उनको रिमूव कर देंगे, फिर क्या है उसकी क्लियरिंग करेंगे जिस सॉल्यूशन से आपने डिहाइड्रेट किया था, और फिर लास्ट में क्या करेंगे, इम्प्रेगनेशन यानी उसके अंदर वैक्स इम्प्रेगनेट करवाएंगे, और फिर उस टिश्यू की क्या करेंगे, सेक्शन कटिंग, और उसके बाद में क्या करेंगे, सेक्शन कटिंग के बाद में एंड प्लेस ऑन ए क्लीन ग्लास स्लाइड, और उसको एक क्लीन ग्लास स्लाइड के ऊपर प्लेस कर लेंगे, रख लेंगे। देन इट इज स्टेन, और फिर उसकी क्या करेंगे, स्टेनिंग यानी उसके अंदर एक अभिरंजक एंटर करवाएंगे जिससे उसकी जो न्यूक्लियर डिटेल है वो अच्छे तरीके से क्या हो, अपने को प्रोवाइड हो, दिख सके कि उसमें क्या प्रॉब्लम है। एंड माउंटेड, और फिर उस स्लाइड को प्रिवेंट या प्रिजर्व करेंगे लंबे समय तक अगर वो अच्छे तरीके से बनी है। एंड यूज फॉर माइक्रोस्कोपिक इवेल्युएशन, और उसको क्या करेंगे, माइक्रोस्कोप करेंगे या माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करेंगे। ये जो ऊपर की प्रोसीजर थी, दिस कंप्लीट प्रोसेस इज नोन एज हिस्टोपैथोलॉजी, ये सारी प्रोसीजर क्या कहलाती है, हिस्टोपैथोलॉजी। मतलब कि जब एक डॉक्टर अपनी बॉडी में इंटरफेयर करेगा और एक और जिस टिश्यू में डिजीज है उसको बाहर निकाल के लैब में सेंड कर देगा, वहां पे उसके साथ फिक्सेशन होगा, डीकैल्सिफिकेशन होगा, ग्रोसिंग होगी, टिश्यू प्रोसेसिंग होगी, सेक्शन कटिंग होगी एंड प्लेस ऑन ए क्लीन ग्लास स्लाइड, और उसकी लास्ट में क्या होगी, स्टेनिंग, और स्टेनिंग के बाद में माउंटिंग करके उसका जो एग्जामिनेशन करना है, ये सारा प्रोसीजर क्या कहलाता है, हिस्टोपैथोलॉजी। नेक्स्ट डेफिनेशन है, हिस्टोपैथोलॉजी इज द स्टडी ऑफ डिजीज और चेंजेस इन द टिश्यू लेवल। हिस्टोपैथोलॉजी क्या है कि एक स्टडी है यानी अध्ययन है किसका, डिजीज का या बीमारी का, किसके अंदर, चेंजेस इन द टिश्यू लेवल, कि टिश्यू के अंदर किस लेवल तक चेंज हुआ है या किस लेवल तक प्रॉब्लम्स हो चुकी हैं, उसके अंदर कौन सी बीमारी है जैसे ट्यूमर है या फिर वायरल इन्फेक्शन है या पैरासाइट का इन्फेक्शन है, वो चीजें चेक करने की जो प्रोसीजर है टिश्यू में।
उसी को क्या बोलते हैं, हिस्टोपैथोलॉजी। नेक्स्ट है, हिस्टोपैथोलॉजी के अंदर क्या अपन किस चीज से उसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि क्या प्रॉब्लम है वो, तो यानी टाइप्स ऑफ सैंपल कलेक्शन, कि हिस्टोपैथोलॉजी के लिए अपन सैंपल कहाँ से कलेक्ट करेंगे। सबसे पहले है द टिश्यू इज रिक्वायर्ड फॉर एग्जामिनेशन, कि हिस्टोपैथोलॉजी की लैब में काम करने के लिए या फिर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए हिस्टोपैथोलॉजी की लैब में सबसे पहले अपने को किस चीज की रिक्वायरमेंट है, टिश्यू की यानी उत्तक की, जो अपने उत्तक क्या है, अपने बॉडी ऑर्गन्स को फॉर्म करता है उसकी। और इसके जो ऑब्टेन करने के मेथड है, कि टिश्यू को अपनी बॉडी से बाहर निकालने के जो मेथड है, उसके क्या है, दो मेथड है, एक तो इनसाइजनल बायोप्सी, एक एक्साइजनल बायोप्सी। इनसाइजनल बायोप्सी यानी अपनी बॉडी के इनसाइड में यानी अंदर की तरफ अगर कोई प्रॉब्लम हो तो उसको निडल या फिर और किसी प्रोसीजर से बाहर निकाल लिया जाए। एक्साइजनल बायोप्सी में क्या होगा कि जिस जगह लीजन है या फिर घाव है या फिर ट्यूमर है उस पूरे पोर्शन को ही बाहर निकाल लिया जाता है। नेक्स्ट है इनसाइजनल बायोप्सी और एक्साइजनल बायोप्सी दो पार्ट है। इसके अलावा बायोप्सी क्या है, एन एग्जामिनेशन ऑफ टिश्यू यानी एक टिश्यू का अध्ययन या उसके ऊपर स्टडी, रिमूव्ड फ्रॉम ए लिविंग बॉडी यानी जिंदा इंसान से या जिंदा ह्यूमन से जब क्या है एक उत्तक को आप बाहर निकालोगे उस सैंपल को क्या बोलते हैं, बायोप्सी। और निकालते क्यों है, टू डिस्कवर द प्रेजेंस, किस चीज को डिस्कवर करने के लिए, किस चीज की प्रेजेंस को चेक करने के लिए, कॉज और एक्सटेंट ऑफ ए डिजीज यानी डिजीज की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जब किसी टिश्यू को अपन बॉडी से बाहर, ह्यूमन बॉडी से बाहर निकालते हैं उस सैंपल को क्या कहते हैं, बायोप्सी। अगर ये सैंपल लिविंग कंडीशन में लिया गया हो यानी जिंदा इंसान से तो क्या होगा, बायोप्सी। और अगर यही सैंपल यानी डेड ह्यूमन बॉडी के डेड होने के बाद लिया गया हो तो उस प्रोसीजर को क्या बोलते हैं, ऑटोप्सी, जिसको बोलते हैं पोस्टमार्टम। नेक्स्ट है इनसाइजनल बायोप्सी क्या है, इन दिस ए स्मॉल पीस ऑफ टिश्यू इज ऑब्टेन्ड, यानी इस प्रोसीजर में क्या करेंगे सबसे पहले कि एक छोटा टिश्यू का टुकड़ा अपन निकालेंगे ह्यूमन बॉडी से ऑब्टेन्ड विद द हेल्प ऑफ, किसकी हेल्प से, किसकी मदद से, बायोप्सी नीडल की हेल्प से, एंड एग्जामिन फॉर पैथोलॉजिकल चेंजेस। और जो आपने सैंपल लिया है इसका बेस्ट एग्जाम्पल है बोन मैरो एस्पिरेशन, उसको भी अपन बाहर निकालते हैं। जो एग्जामिनेशन के लिए अपन ने सैंपल लिया है किससे, नीडल से, उस प्रोसीजर को क्या बोलते हैं, इनसाइजनल बायोप्सी। नेक्स्ट है एक्साइजनल बायोप्सी, इन दिस मेथड द ऑल ट्यूमर और लीजन आर रिमूव्ड फ्रॉम ऑर्गन। और इस प्रोसीजर में क्या होगा कि जो जिस जगह लीजन है जैसे लीवर में या फिर किसी और ऑर्गन में जिस जगह पे प्रॉब्लम है, डिसऑर्डर है, उस पोर्शन को ही बाहर निकाल लिया जाता है। नीचे जो एग्जाम्पल दिया गया है डायग्राम में वो है बोन मैरो एस्पिरेशन इनसाइजनल बायोप्सी का। इनसाइजनल बायोप्सी में तो अपन नीडल की हेल्प से सैंपल लेते हैं और एक्साइजनल बायोप्सी में जिस जगह पे लीजन है या डिजीज है उस पार्ट को ही, पूरे पोर्शन को ही बाहर निकाल लेते हैं और क्या हिस्टोपैथोलॉजी की लैब में इन्वेस्टिगेट करते हैं। नेक्स्ट है इनसाइजनल बायोप्सी और एक्साइजनल बायोप्सी के एग्जाम्पल। तो आप एक्साइजनल बायोप्सी में देखेंगे कि उसमें 3 mm का कट लगा रखा है स्किन के ऊपर, जिससे क्या है कि जिस जगह पे लीजन है उस पोर्शन को पूरे को ही बाहर निकाल रहे हैं। नेक्स्ट है इनसाइजनल बायोप्सी, उसके अंदर एक नीडल इंजेक्ट करवा के उसके अंदर से क्या है, स्वैब कलेक्ट कर रहे हैं जिससे उसकी इन्वेस्टिगेशन की जा सके। उसके बाद में नेक्स्ट जो प्रोसीजर है, जब आपने एक हिस्टोपैथोलॉजी की लैब में सैंपल कलेक्ट कर लिया, कलेक्ट करने के बाद जो प्रोसीजर शुरू होंगे उनके बारे में, स्टेप्स ऑफ प्रोसीजर इन हिस्टोपैथोलॉजी लैब। तो सबसे पहला जो स्टेप आता है वो है रिसेप्शन ऑफ स्पेसिमेन, यानी जब एक पैथोलॉजिस्ट किसी सैंपल को बाहर निकाल के और लैब के अंदर सेंड कर देता है तो जो लैब टेक्नीशियन उसको रिसीव करेगा वो क्या क्या चीजें देखेगा। तो सबसे पहले तो उसके अंदर फिक्सेटिव अमाउंट चेक करता है कि प्रॉपर अमाउंट है, यानी कि जो आपका टिश्यू का वॉल्यूम है उसके 20 गुना अमाउंट है, यानी अगर वो प्रॉपर अमाउंट है तो वो उसको रिसीव करता है और अगर नहीं है तो उसके अंदर फिक्सेटिव ऐड करता है। नेक्स्ट है कि पेशेंट का जो अटेंडर सैंपल लेके आया है उसके पास 2 बार भरा हुआ फॉर्म है कि नहीं, ड्यूअली फिल्ड फॉर्म है कि नहीं, जिसके अंदर क्या क्या चीजें स्पेसिफाई होनी चाहिए, नेम, एज, सेक्स या फिर मोस्ट इम्पोर्टेंट नेचर ऑफ टिश्यू, यानी वो जो टिश्यू है वो ह्यूमन बॉडी के किस ऑर्गन से लिया गया है।
नेक्स्ट स्टेप है फिक्सेशन ऑफ स्पेसिमेन, कि उसको फिक्स कैसे करोगे और क्यों करोगे। फिक्सेशन का मतलब है किसी चीज को प्रिवेंट करना, फिक्स करना, किससे? डीके एंड ऑटोलाइसिस से। अगर टिश्यू को आप बाहर सीधा ही रख दोगे विदाउट फिक्सेटिव के, तो उसके अंदर क्या होगा, जो सेल्स प्रेजेंट है उसके अंदर प्रोटीन ग्लूकोज उनको डाइजेस्ट कर लेंगी और उसके अंदर डीके एंड ऑटोलाइसिस शुरू हो जाएगी, यानी उसकी शेप में चेंजेस होना शुरू हो जाएगा। अपने को टिश्यू चाहिए नेचुरल स्टेट में जैसा ह्यूमन बॉडी के अंदर था, तो इसीलिए क्या करते हैं, फिक्सेशन ऑफ स्पेसिमेन। नेक्स्ट स्टेप है फिक्सेशन जब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद फिक्सेटिव के लिए अलग अलग कंटेंट है, जैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट काम में लिया जाता है फॉर्मेल्डिहाइड या फॉर्मेलिन। नेक्स्ट है डीकैल्सिफिकेशन ऑफ टिश्यू। जब फिक्सेशन कंप्लीट होगा तो उसके बाद नेक्स्ट थर्ड स्टेप शुरू करेंगे डीकैल्सिफिकेशन, यानी टिश्यू के अंदर आप आगे नेक्स्ट स्टेप में चेक करोगे कि उसके सेक्शन काटोगे, अगर टिश्यू के अंदर कैल्शियम के आयंस वगैरह प्रेजेंट होंगे तो उसके अच्छे सेक्शन नहीं कटेंगे, इसीलिए क्या करते हैं डीकैल्सिफिकेशन, ताकि जो सेक्शन आप प्रोड्यूस करो एग्जामिनेशन के लिए वो क्या हो, अच्छे तरीके से प्रिपेयर हो और उनकी इन्वेस्टिगेशन, डिजीज की इन्वेस्टिगेशन टिश्यू के अंदर अच्छे तरीके से हो। तो क्या करते हैं डीकैल्सिफिकेशन ऑफ टिश्यू। इसके लिए मोस्टली जो काम में लिया जाता है नाइट्रिक एसिड या फिर पेरिनेस फ्लूइड। नेक्स्ट है ग्रोथिंग, यानी टिश्यू के डीकैल्सिफिकेशन का जो प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आप क्या करोगे, टिश्यू को ग्रोथ करोगे, यानी उसको एग्जामिन करोगे कि उसके किस पार्ट में लीजन है और जिस पार्ट में घाव है या लीजन है, डिजीज है, उस पार्ट में कट लगा के उस पार्ट को क्या कर लोगे, अलग कर लोगे, अलग करके उसको किस में डालोगे, आप एक बास्केट में डाल दोगे। जब ग्रोथिंग का प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा तो नेक्स्ट स्टेप क्या है, प्रोसेसिंग, यानी टिश्यू की प्रोसेसिंग। ये वैसे तो आती है सेक्शन कटिंग में, क्योंकि टिश्यू को प्रोसेसिंग के अंदर सेक्शन कटिंग के लिए प्रिपेयर किया जाता है, तो उसके अंदर सबसे पहला जो स्टेप है वो क्या है, डिहाइड्रेशन, यानी टिश्यू के अंदर जो वाटर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है उनको बाहर निकालना। रीजन क्या है कि टिश्यू के अंदर वैक्स के लिए अपने को क्या, स्पेस बनाना है, क्योंकि अगर उसमें वाटर के मॉलिक्यूल ज्यादा प्रेजेंट होंगे तो वो सॉफ्ट होगा, अपने को क्या टिश्यू थोड़ा सा हार्ड चाहिए, जिससे क्या है कटिंग के टाइम में उसकी सरफेस में चेंज नहीं हो। तो सबसे पहले करते हैं डिहाइड्रेशन, उसके अंदर से वाटर को रिमूव करते हैं, किसकी हेल्प से, एल्कोहल की हेल्प से। नेक्स्ट स्टेप है क्लियरिंग, क्योंकि एल्कोहल के साथ क्या है, वैक्स मिसेबल यानी मिक्सेबल नहीं है, उसके साथ मिक्स नहीं होती, तो इसलिए क्या है एल्कोहल को रिमूव करना कंपल्सरी है। तो दूसरा जो प्रोसीजर होगा वो क्या होगा, क्लियरिंग। क्लियरिंग करते हैं अपन जाइलीन की हेल्प से मोस्टली, वैसे टोलुइन को भी काम में लेते हैं ब्रेन के टिश्यू के लिए। नेक्स्ट है जब क्लियरिंग कंप्लीट हो जाएगी तो क्या आता है, इम्प्रेगनेशन विद वैक्स, यानी टिश्यू के अंदर वैक्स को इम्प्रेगनेट करवाना, जिससे क्या है टिश्यू थोड़ा सा हार्ड हो जाए, रफ हो जाए, जिससे जब आप माइक्रोटॉमी करोगे यानी सेक्शन कटिंग करोगे तो उस टाइम पे उसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए। नेक्स्ट है एम्बेडिंग यानी ब्लॉक मेकिंग। एम्बेडिंग का मतलब है कि जो आपने प्रोसेस किया टिश्यू को उसके अंदर एक वैक्स यानी वैक्स के ब्लॉक के अंदर उस टिश्यू को डालोगे, ताकि उसकी ट्रिमिंग जो है, कटिंग है, वो अच्छे तरीके से की जा सके। वैक्स पहले दो प्रकार के, पहले मेटेलिक ब्लॉक यूज किए जाते थे, अभी क्या है प्लास्टिक ब्लॉक यूज किए जाते हैं, ठीक है, जिसके अंदर क्या है कि ट्रिमिंग के टाइम में माइक्रोटॉमी के अंदर वो ब्लॉक भी ट्रिम हो जाता है, लेकिन अगर आप मेटल का ब्लॉक यूज करते हो तो उसको रिमूव करना पड़ता है, इसलिए किसका ब्लॉक यूज करने लगे आप, प्लास्टिक का। माइक्रोटॉमी के अंदर क्या करोगे आप, फिर करोगे नेक्स्ट जो प्रोसीजर है माइक्रोटॉमी यानी सेक्शन कटिंग, उसके अंदर क्या होगा कि आप जो आपने ब्लॉक बनाया है टिश्यू का बनाया है उसको क्या है, माइक्रोटोम जो मशीन है यानी रोटेरी माइक्रोटोम जो मोस्टली काम में लिया जाता है उसके अंदर सेट करोगे। सेट करने के बाद सबसे पहले जो ब्लॉक था उसके अंदर एक्सेस जो वैक्स है यानी टिश्यू से पहले उसकी ट्रिमिंग करोगे, यानी उसको कट कर दोगे और अलग कर दोगे। उसके बाद में जो आपका सेक्शन आ गया वैक्स के साथ उसकी ट्रिमिंग करोगे, उसकी क्या है कि रिबन बना लोगे 5 से 7 सेक्शंस की। फिर क्या करोगे, उस रिबन को किसमें डाल दोगे, हॉट वाटर बाथ में, जिससे क्या है उसकी सरफेस के अंदर अगर कोई थोड़ा बहुत चेंज आया है तो सरफेस क्या हो जाए, सही हो जाए। नेक्स्ट जब वो सरफेस सही हो जाएगी वाटर के अंदर, तो उस सेक्शन को किसके ऊपर लोगे आप, स्लाइड के ऊपर, और स्लाइड के ऊपर लेके उसको क्या करोगे, हॉट एयर ओवन में ड्राई करोगे। ड्राई करने के बाद
उसको क्या करोगे आप, स्टेन करोगे। जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या है, स्टेनिंग। और हिस्टोपैथोलॉजी के अंदर मोस्टली जो काम में ली जाती है वो कौन सी स्टेनिंग है, एच एंड ई, यानी हिमेटोक्सिलिन एंड ईओसिन स्टेन। वैसे हिमेटोक्सिलिन ईओसिन की जगह क्या है, कॉम्रेड स्टेन भी काम में ली जाती है, लेकिन मोस्टली हिमेटोक्सिलिन एंड ईओसिन स्टेनिंग ही काम में ली जाती है। जब स्टेनिंग का प्रोसीजर पूरा हो जाएगा तो फिर क्या करोगे, माउंटिंग यानी उस स्लाइड को प्रिजर्व करोगे, यानी उस स्लाइड को फिक्स करोगे, ताकि एग्जामिनेशन के टाइम पे जो आपका टिश्यू है वो क्या है, इधर उधर हिले नहीं, एक ही स्टेट के अंदर फिक्स रहे, एक जगह स्लाइड के ऊपर टिका रहे। तो उसके लिए क्या करते हैं आप, माउंटिंग। और माउंटिंग मीडिया के अंदर मोस्टली किसको काम में लेते हो, डीपीएक्स माउंटेड को। और जब माउंटिंग अच्छे तरीके से हो जाएगी स्लाइड की, तो लास्ट के अंदर क्या करोगे आप, एग्जामिनेशन को स्लाइड, यानी स्लाइड का क्या करोगे, एग्जामिनेशन, जो कि एक लैब टेक्नीशियन नहीं करता, पैथोलॉजिस्ट करता है मोस्टली। एग्जामिनेशन के अंदर उसको आप माइक्रोस्कोप के अंदर एग्जामिन करोगे, जिसके अंदर टिश्यू की सरफेस यानी स्ट्रक्चर जो है, यानी किस पार्ट से टिश्यू लिया गया है वो चेक करोगे, और क्या है उसके अंदर, कौन सी डिजीज है, ट्यूमर है या फिर पैरासाइट का इन्फेक्शन है, बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है, या फिर क्या है किसी वायरल इन्फेक्शन है, उन सभी की इन्वेस्टिगेशन करोगे। तो यहाँ तक थे स्टेप्स ऑफ टिश्यू प्रोसेसिंग। उसके अंदर क्या होगा कि सबसे पहले तो रिसेप्शन ऑफ स्पेसिमेन, फिर फिक्सेशन, दूसरा क्या होगा फिक्सेशन के बाद में नेक्स्ट डीकैल्सिफिकेशन, डीकैल्सिफिकेशन के बाद में ग्रोथिंग, ग्रोथिंग के बाद में उसकी टिश्यू प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग में तीन स्टेप होते हैं मोस्टली, कौन से, प्रोसेसिंग के अंदर मोस्टली तीन स्टेप होते हैं, एक तो डिहाइड्रेशन, दूसरा क्लियरिंग और तीसरा इम्प्रेगनेशन विद वैक्स। उसके बाद में जब प्रोसेसिंग पूरी कंप्लीट हो जाती है तो नेक्स्ट स्टेप आते हैं एम्बेडिंग ऑफ, या एम्बेडिंग या ब्लॉक मेकिंग, किसकी, स्पेसिमेन की। लास्ट में माइक्रोटॉमी या सेक्शन कटिंग, फिर स्टेनिंग, स्टेनिंग के बाद में लास्ट स्टेप आता है माउंटिंग। और फिर क्या है, माउंटिंग जब कंप्लीट हो जाती है अच्छे तरीके से, उसके बाद में आप करते हो एग्जामिनेशन ऑफ स्लाइड। जो नेक्स्ट जो स्लाइड में दिखाए गए वो क्या है, डायग्राम, किसका, एक प्रिपेयर स्लाइड का, जिसके अंदर क्या है कि आपको एक प्रिपेयर स्टेनिंग की हुई एक स्लाइड दिखाई गई है। ठीक है, थैंक्स टू ऑल। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो आपका होगा रिसेप्शन ऑफ स्पेसिमेन के ऊपर, यानी फर्स्ट जो स्टेप है किसकी, टिश्यू एग्जामिनेशन की, यानी हिस्टोपैथोलॉजी की फर्स्ट जो स्टेप है उसके ऊपर आपका नेक्स्ट लेक्चर होगा। थैंक यू।